हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम एंटेमोलॉजी सब्जेक्ट के कोर्स टाइटल मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में सेरिकल्चर के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है रेयरिंग, मॉल्टिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ कोकून्स। रेयरिंग, रेयरिंग मतलब आप जानते हैं, जिसे हम कहते हैं पालना। तो किस तरह से पाला जाता है, किसे? तो हम कह रहे हैं सिल्क वर्म को। जैसा कि मैंने बताया, ये वीडियो एक तरह से पार्ट है किसका, सेरिकल्चर का। तो सेरिकल्चर के अंदर हम देखते हैं सिल्क वर्म। तो सिल्क वर्म की रेयरिंग किस तरह से होती है, उसके अंदर जो भी प्रोसीजर होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही हम जानेंगे माउंटिंग के बारे में, माउंटिंग क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे, और साथ में हम जानेंगे हार्वेस्टिंग ऑफ कोकून्स के बारे में। कोकून्स आप जानते ही हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं, कौन से, सिल्क वर्म जो इंसेक्ट होता है वो अपने चारों तरफ प्यूपा स्टेज के अंदर कोकून्स बना लेते हैं, जिसके ऊपर से उस कोकून को हटाकर ही हम अपने क्या करते हैं, सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो अब ये जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत लेंथी टॉपिक है। अब इस लेंथी टॉपिक है, इसी वजह से आप देख सकते हैं ये बोर्ड पूरा भरा हुआ है ना, सब टॉपिक से। तो इस बड़े से टॉपिक को हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रेयरिंग हाउसेस के बारे में, कि किस तरह की जगह की ज़रूरत होती है हमें इनके पालने की, है ना। तो रेयरिंग हाउस के बारे में हम जानेंगे, फिर हम जानेंगे प्रोक्योरमेंट ऑफ सीड्स के बारे में। सीड्स की ज़रूरत यहाँ कैसे पड़ गई, तो सीड्स हम यहाँ कह रहे हैं एग्स को। सिल्क वर्म के जो एग्स होते हैं उन्हें हम यहाँ पे सीड्स कह रहे हैं। तो ये जो सीड्स होंगे उन्हें हम किस तरह से प्राप्त करते हैं, उनका प्रोक्योरमेंट किस तरह से होता है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे जब सीड्स हमें मिल जाएंगे तो उनका इंक्यूबेशन किस तरह से किया जाता है, है ना, उनका सेना एक तरह से, ताकि उनकी आसानी से हैचिंग हो पाए, अच्छे से हैचिंग हो पाए। तो इंक्यूबेशन किस तरह से किया जाता है, ब्लैक बॉक्सिंग नाम की एक एक्टिविटी होती है। बॉक्सिंग, वो वाला बॉक्सिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, ब्लैक बॉक्सिंग मतलब एक बॉक्स के अंदर, अंधेरे के अंदर उन एग्स को रख दिया जाता है। क्यों रख दिया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे ब्रशिंग, साथ में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में। ब्रशिंग एक्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए रेयरिंग के दौरान, उनके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे फीडिंग ऑफ लार्वा के बारे में, यानी लार्वा को कब, किस वक्त, कितना खिलाना चाहिए, है ना। तो फीडिंग के बारे में बात करेंगे, बेड क्लीनिंग और साथ में स्पेसिंग के बारे में भी बात करेंगे। बेड क्लीनिंग यानी जहाँ उन्हें रखा जाता है उसे एक तरह से इनका बेड कह देते हैं, रेयरिंग बेड, या हम कह देते हैं उसे रेयरिंग ट्रे। तो उसकी क्लीनिंग किस तरह से की जाती है, स्पेसिंग उसमें कितनी रखनी चाहिए, है ना, तो उनके बारे में हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे मॉल्टिंग एंड माउंटिंग के बारे में। मॉल्टिंग तो आप जानते हैं, है ना, कि कोई इंसेक्ट या हम देखते हैं जो अपने चारों, कोई भी लार्वा वगैरह जो है वो अपने चारों तरफ की जो क्यूटिकल है उसको छोड़ देता है, अपनी त्वचा का निर्मोचन करता है, तो उसे ही हम क्या कह देते हैं, मॉल्टिंग कह देते हैं, वो आप जानते हैं। तो उस मॉल्टिंग के दौरान हमें रेयरिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए, कितना टेम्परेचर, कितनी फीडिंग, तो किस तरह की बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। साथ ही माउंटिंग क्या होता है, माउंटिंग यानी लार्वा को शिफ्ट कर देना, एक तरह से ट्रांसफ़र कर देना। तो कहाँ ट्रांसफ़र कर देना, माउंटिंग के अंदर हम जानेंगे, और हम जानेंगे एट द एंड हार्वेस्टिंग ऑफ कोकून्स के बारे में, यानी कोकून्स को लास्ट में अलग किस तरह से कर लिया जाता है, क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए उस वक्त, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, तो हम इस तरह से इन सब टॉपिक्स के रूप में उसे बांटते हुए पढ़ने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेरिकल्चर के ऊपर ये हमारा तीसरा वीडियो है, यानी इस वीडियो से पहले दो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ सेरिकल्चर के ऊपर, जिसके अंदर हमने सेरिकल्चर का इंट्रोडक्शन और दूसरे वीडियो में हमने मौरी कल्चर के बारे में अच्छे से बात की है। अगर आपने इस वीडियो से पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम जानते हैं कि रेयरिंग हाउसेस क्या होते हैं। वैसे तो आप समझ सकते हैं कि रेयरिंग हाउस ऐसा हाउस या ऐसी जगह, ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर हम रेयरिंग करने वाले हैं, किसकी, सिल्क वर्म्स की, है ना, उन्हें पाला जाएगा, है ना। पालने के अंदर हम ये भी देखेंगे कि उन्हें क्या खिलाना है, किस वक्त खिलाना है, है ना, और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटीज़ वगैरह कितनी रखनी है। तो कहने का मतलब ऐसी पर्टिकुलर सेपरेट जगह की हमें ज़रूरत होती है, है ना। तो हमने यहाँ लिखा है इट्स अ Desirable to have a separate rearing house. Separate rearing house होना चाहिए किसके लिए, जिसके अंदर हम कर रहे हैं सिल्क वर्म की रेयरिंग। ऑफ फैसिलिटीज, जहाँ फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे कि हम कह रहे हैं कूलिंग थ्रू सेलेक्शन ऑफ मटीरियल फॉर वॉल्स, यानी कि उस हाउस की जो वॉल्स या हम कह रहे हैं दीवारें हैं, ऐसे मटीरियल की बनी हों जो कि
वहाँ पे ठंडक बनाए रखती हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो ठंडा बनाए रखती हैं उस जगह का, है ना। और हम देख रहे हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग, वो बिल्डिंग जो है उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, सही दिशा में होनी चाहिए वो, है ना, मतलब पूर्व पश्चिम के रूप में या पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन में होनी चाहिए, जिससे कि और साथ में उसमें वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, है ना। और साथ में हम देख रहे हैं उसका कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन इस तरह से होना चाहिए कि वहाँ पे रेयरिंग्स आसानी से की जा सके, टेम्परेचर वगैरह आसानी से रेगुलेट किया जा सके, है ना। और हम देख रहे हैं स्पेस फॉर लीफ प्रिजर्वेशन एंड माउंटिंग। लीफ प्रिजर्वेशन, लीफ कौन सी, मलबरी लीव्स, है ना। आप भी जानते हैं कि जो हम देख रहे हैं सिल्क वर्म है उनका खाना क्या है, तो मेनली मलबरी, तो मलबरी लीव्स जो है उनको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा हमें कुछ वक्त के लिए, कभी कभी रखना पड़ सकता है। तो वो जो प्रिजर्वेशन के लिए पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए, माउंटिंग के लिए स्पेस होना चाहिए, माउंटिंग के लिए जो स्पेस है पर्टिकुलर से हम वरांदा भी कह सकते हैं, है ना। वरांदा वैसे पर्टिकुलर जगह को हम कहते हैं अपने घरों में भी, है ना। तो ऐसे वरांदा के रूप में कोई ऐसी सेपरेट जगह होनी चाहिए जहाँ पर दूसरे काम भी हो सकें, जैसे माउंटिंग वगैरह, है ना। तो कहने का मतलब इस तरह से एक रेयरिंग हाउस पर्टिकुलर होना चाहिए, उसके अंदर कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ओके। अब हम देख रहे हैं कि अ फ्लोर एरिया ऑफ 400 स्क्वायर फीट प्रोवाइड स्पेस फॉर 100 DFLS। क्या लिखा गया है कि अ फ्लोर एरिया ऑफ 400 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट का एरिया जो है उसके अंदर हम कितने रेयरिंग कर सकते हैं हम, तो हम देख रहे हैं 100 DFLS की। DFLS क्या है, तो DFL यानी है डिजीज फ्री लेइंग्स, डिजीज फ्री लेइंग्स, लेइंग्स मतलब क्या, एग लेइंग्स, है ना, अंडे, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ डिजीज फ्री एग्स जो हूँ उसके बारे में, उसके लिए एक शॉर्ट टर्म दी गई है DFL, है ना, एक यूनिट दी गई है। अब एक पर्टिकुलर DFL के अंदर 500 एग्स आते हैं, तो 100 DFLs के अंदर कितने होंगे, 50,000। तो कहने का मतलब ये हुआ 400 स्क्वायर फीट की अगर हमारे पास जगह है तो वहाँ 50,000 वर्म्स जो हैं उनकी हम रेयरिंग कर सकते हैं। तो एक तरह का यहाँ पे पर्टिकुलर एक आइडियल जगह के बारे में भी बताया है, जो नोट के रूप में आप याद रख सकते हैं। और अगर हम बात करें कि एग्स जो हैं वो हमें मिलते कहाँ से हैं, प्रोक्योरमेंट कहाँ से करते हैं, वैसे तो आप जानते हैं कि मेल मॉथ और फीमेल मॉथ की मैटिंग कराई जाती है, उन्हें एक जगह बंद कर दिया जाए किसी बॉक्स वगैरह के अंदर, फिर उनको अगर कुछ देर छोड़ दिया जाए तो उसके अंदर हम देखेंगे मैटिंग होगी, मैटिंग के 12 घंटे बाद, या हम कह सकते हैं कि 12 घंटे बाद उसमें फीमेल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एग लेइंग कर देती हैं, एग लेइंग कर देती हैं, तो वही हमारे एग्स हमारे काम के हैं। उन एग्स को हम यहाँ क्या कहते हैं, सीड्स कहते हैं, है ना। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ सीड्स ये कौन करता है, ये पर्टिकुलर कोई रिसर्च सेंटर वगैरह जो हैं गवर्नमेंट के या प्राइवेट के, जो एग्स वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं, सर्टिफाइड सेंटर्स वगैरह जो हों वहाँ पे इस तरह का काम हो सकता है, जो कि सीड्स प्रोवाइड करा सकते हैं हमें, है ना। तो प्रोक्योरमेंट के बारे में अगर हम देखें, गुड क्वालिटी डिजीज़ फ्री एग्स, अच्छी क्वालिटी की डिजीज़ फ्री एग्स कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम गवर्नमेंट और प्राइवेट ग्रेनेजेस, गवर्नमेंट और प्राइवेट ग्रेनेजेस। ग्रेनेजेस का क्या मतलब है, ग्रेनेज वास्तव में इस तरह की जगह को ही हम कहते हैं, रेयरिंग हाउस वगैरह को ही हम ग्रेनेज कहते हैं, जहाँ पे रेयरिंग होती है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, कंट्रोल्ड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वैसी कंडीशंस के अंदर। तो कहने का मतलब उसे हम ग्रेनेज कहते हैं, जैसे एपीएरी के बारे में हमने बात करी थी एपीकल्चर के अंदर, है ना, ऐसी जगह जहाँ पे बी हाइव्स वगैरह रखी जाती हैं, तो उसी तरह से ये ग्रेनेज है। प्रोड्यूसिंग प्योर और हाइब्रिड रेसेस, है ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट की जो एजेंसीज हैं वो पर्टिकुलर हाइब्रिड रेसेस या प्योर रेसेस के एग्स वगैरह जो है हमें प्रोक्यूर करा सकती है, हमें उपलब्ध करवा सकती है, कहने का मतलब, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ इस तरह से हम उन एग्स को प्राप्त कर सकते हैं। एग्स जो हैं उसके पर्टिकुलर कार्ड आते हैं, एग कार्ड होता है, उस एग कार्ड के ऊपर वो एग्स होते हैं, है ना, उनका इंक्यूबेशन वगैरह आगे किया जाता है, जिसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे। नेक्स्ट चीज़ यहाँ लिखी है रेयरिंग, रेयरिंग को हम दो तरह से बांट सकते हैं। अब ये जो पालन पोषण है इनका, किसका, सिल्क वर्म का, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं चौकी रेयरिंग और दूसरा हम कह सकते हैं लेट एज रेयरिंग। चौकी रेयरिंग का क्या मतलब है, चौकी वास्तव में कहा जाता है फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टार ऑफ सिल्क वर्म को, सिल्क वर्म लार्वा को। अगर आपने पिछले से पिछला वीडियो देखा है तो उसके अंदर आपने जाना था कि जो हम देख रहे हैं लार्वा होता है उसके अंदर 5 स्टेजेस देखी जाती हैं, 4 बार मॉल्टिंग होती है तो 5 इंस्टार स्टेजेस देखी जाती हैं। उन 5 इंस्टार स्टेजेस में फर्स्ट और सेकंड स्टेज के जो इंस्टार हैं, लार्वा की जो शुरुआती अवस्थाएं हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, चौकी कह देते हैं। तो उनकी जो रेयरिंग, उनको जो पालने का तरीका है, उसे हम चौकी रेयरिंग कह देते हैं। और जबकि अगर हम कहें लेट एज रेयरिंग के बारे में बात करें, तो 3rd, 4th और 5th जो स्टेजेस हैं लार्वा की, इंस्टार जो हैं उनकी रेयरिंग जो है उसे हम लेट एज रेयरिंग कहते हैं, ओके। बड़े बड़े लार्वा या कह सकते हैं हम जो होंगे, वो फीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, वो वेरोशियस होते हैं,
है ना, कहने का मतलब ये हुआ जो बहुत ज़्यादा फीडिंग करते हैं किसकी, लीव्स वगैरह के। 85% तक जितना भी हम लीव्स देते हैं उसका 85% कौन खाते हैं, तो हम देखते हैं लास्ट का जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेज वाला लार्वा है वो फीडिंग करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ लेट एज वाले रीयरिंग के लार्वा हैं वो बहुत ज़्यादा वेरोशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा लीव्स खाते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ इस तरह से हम रीयरिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, चौकी रीयरिंग और साथ में हमने देखा लेट एज रीयरिंग, और साथ में आपने जाना रीयरिंग हाउस की क्या रिक्वायरमेंट होती है और प्रोक्योरमेंट किस तरह से होता है सीड्स का, किस तरह से मिलते हैं हमें सीड्स या एग्स। ओके, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो अब तक आप जान चुके हैं कि हमें एग्स किस तरह से मिलते हैं और किस तरह से उन एग्स में से हम देखते हैं उनका ध्यान रखा जाता है ना। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इनका इंक्यूबेशन किस तरह से किया जाता है। इंक्यूबेशन क्या है, मतलब उनको एक तरह से सेना है ना, ताकि उनमें से यूनिफॉर्म हैचिंग हो सके, है ना। तो इसी चीज़ को लिखा है टू इंश्योर यूनिफॉर्म हैचिंग, हैचिंग आसानी से और एकदम एक समान रूप से अगर हैचिंग हो जाए, एग्स आर इंक्यूबेटेड एट ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 24 to 26 degrees Celsius, 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर उनको इंक्यूबेट किया जाता है, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 70 to 80%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी, 70 to 80% की। ओके, तो इस डाटा को आप याद रखें, इंक्यूबेशन के टाइम पे 24 से 26 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 to 80% की हमें ज़रूरत होती है। ओके, अब जब इंक्यूबेट हो जाएंगे तो उनमें से हैचिंग हो सकती है ना। हैचिंग से पहले की एक चीज़ और हम करते हैं जिसे कहते हैं हम ब्लैक बॉक्सिंग। ये क्या होता है, तो इसके बारे में अगर हम पढ़ें, एग्स इंक्यूबेटेड अंडर ऑप्टिमम कंडीशन रीच पिन हेड और हेड पिगमेंटेशन स्टेज। ये जो एग्स हैं इन्हें हम इंक्यूबेट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर, हम इसके आगे भी लिखा है जैसे 48 और बिफोर हैचिंग, हैचिंग के दो दिन पहले है ना, 48 घंटे पहले, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं 48 घंटे पहले एक स्टेज के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसे हम स्टेज को कह देते हैं पिन हेड या हेड पिगमेंटेशन स्टेज। अब इस पिन हेड या हेड पिगमेंटेशन मतलब एक तरह का उसमें देखी जाएगी स्टेज है ना, तो उस कंडीशन के अंदर उस स्टेज के ऊपर हम क्या करते हैं, इन्हें बॉक्स में रख देते हैं, ब्लैक बॉक्स में या डार्कनेस के अंदर रख देते हैं, अंधेरे में रख देते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हैचिंग है वो एक तरह से फोटोसिंथेसिस या कह सकते हैं फोटोपीरियोडिज्म से इफ़ेक्ट होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि सनलाइट कितनी पड़ रही है ना, जितनी इंटेंसिटी से पड़ रही है वो इफ़ेक्ट करता है किसको, हम कहते हैं हैचिंग को। ओके, तो अगर हमने डार्कनेस कर रखी है तो मतलब वहाँ पर अंधेरा कर रखा है, उनको ऐसी जगह रख रखा है डार्क बॉक्स में रख रखा है, तो मतलब हैचिंग डिले हो जाएगी, हैचिंग नहीं होगी। तो ऐसा क्यों, उससे क्या होगा, ऑल एग्स आर प्लेस्ड इन डार्कनेस टू अरेस्ट द हैचिंग ऑफ फुल्ली डेवलप्ड एग्स। एग्स फुल्ली डेवलप्ड तो हो चुके हैं लेकिन उनमें से हैचिंग नहीं होगी, हैचिंग तब होती है जब सनलाइट अच्छी सी हो, है ना। तो कहने मतलब ये हैचिंग नहीं होगी बट फैसिलिटेट लैगिंग एम्ब्रियोज टू डेवलप फास्टर, लेकिन इसको स्टॉप कर देने से, हमने हैचिंग को तो रोक दिया लेकिन उससे क्या होगा, जब वो लार्वा जो हैं उसी के अंदर रहेंगे कुछ वक्त और रहेंगे, तब उससे क्या होगा वो और अच्छे से डेवलप हो चुके होंगे, और जब अगर हम उन्हें सनलाइट प्रोवाइड करा दें तब उसमें से जो हैचिंग होकर लार्वा निकलेंगे वो लार्वा जो हैं उनकी ग्रोथ कंपेरेटिव अच्छी होगी बिना ब्लैक बॉक्सिंग किए हुए, है ना, उनसे अच्छी कंडीशन होगी। कहने का मतलब ये हुआ उनकी ग्रोथ जो है आगे के पीरियड्स के अंदर वो अच्छी देखी जा सकती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं ब्लैक बॉक्सिंग जैसी एक्टिविटी भी करते हैं रेयरिंग के दौरान। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ब्रशिंग, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्पज़ से। ब्रशिंग क्या होती है, जगह नहीं थी यहाँ पे इसलिए मैं लिख नहीं पाया। ब्रशिंग क्या होता है, जिसको हम कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ हैच्ड लार्वा फ्रॉम एग शेल्स। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो एग्स में से जो लार्वा निकलेंगे, लार्वा फर्स्ट इंस्टार वाले अगर आपको याद हो तो वो चींटी जैसे दिखाई देते हैं, है ना, उन इसे हम एंट लाइक लार्वाज भी कह देते हैं। तो कहने का मतलब वो छोटे छोटे जो लार्वा होंगे, है ना, जो चींटियों जैसे दिखाई देते हैं, उन्हें किस तरह से अलग किया जाता है, एक ब्रशिंग नाम की टेक्निक से अलग किया जाता है। ब्रशिंग मतलब है क्या वास्तव में, कुल मिला के जो एग्स हैं उनके शेल होंगे, एग शेल में से उनको अलग करना ब्रशिंग है। कैसे अलग करें, तो उसके मेथड्स हो सकते हैं, ब्रशिंग के अपने आप में मेथड्स हो सकते हैं। ब्रशिंग जैसा कि आप ब्रश के रूप में ही मानिए, फैदर, मेरे हाथ में मान लीजिए फैदर है और यहाँ पे अगर एग्स पड़े हैं, तो मैं अगर उन फैदर्स को इस्तेमाल करते हुए अगर अलग कर रहा हूँ उन लार्वा को उन एग्स में से, तो उस फैदर के इस्तेमाल से भी ब्रशिंग की जा सकती है। लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो है नेट ब्रशिंग वाला मेथड, नेट का काम में लेके, नेट यानी एक जाली काम में लेके,
कैसे? तो हम देखते हैं कि मान लीजिए कि अगर किसी पर्टिकुलर जो एग्स हैं वो हैचो के बाहर आ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक नेट लगा देंगे, उनके ऊपर एक जाली लगा देंगे। समझ आ रही है? जाली लगाने के बाद हम इस तरह से जाली लगाएंगे कि वो उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस हो लार्वा और उस जाली के बीच में। अब उस जाली के ऊपर हम क्या रख देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे क्या, मलबरी लीव्स, वो भी चॉप्ड हुई भी, उन लार्वा के ही साइज़ की मलबरी लीव्स को काट काट के उसके ऊपर बुरक देंगे, या एक तरह से उसको ऊपर डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, नीचे जो लार्वा निकल के आए थे एग्स के, उनको देखेगा भाई ऊपर तो खाना है, मतलब उनका फीड है, तो फिर वो ऊपर उस जाली से होते हुए किसके ऊपर ऊपर आ जाएंगे, उन लीव्स के ऊपर आ जाएंगे उन्हें फीड करने के लिए। अब उन लीव्स के ऊपर आ जाएंगे तो जाली के नीचे लीव्स नहीं जा सकती, लेकिन लार्वा जो हैं वो जाली के थ्रू ऊपर आ चुके हैं, है ना? तो एग शेल्स वगैरह तो नीचे ही रह गए, लार्वा ऊपर आ गया। तो अब इन जाली को उठा के अलग कहाँ रख लिया जाता है, रेयरिंग बेड पे रख लिया जाता है, या जिसे हम रेयरिंग ट्रे कह सकते हैं, जहाँ हम इनकी रेयरिंग करने वाले हैं, इन्हें वहाँ रख लेते हैं हम। समझ आई ये प्रोसेस क्या हुआ? कुल मिला के हमने उन एग शेल से उन्हें अलग कर लिया किसी नेट की हेल्प से। ओके, तो इसी तरह इस प्रोसेस को हम, इसको भी एक तरह से ब्रशिंग ही कहेंगे, क्योंकि ब्रशिंग तो बस सेपरेशन है किससे, एग शेल से एग न्यूली हैच लार्वा का। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना ब्रशिंग के बारे में, जिसके अंदर मेनली मेथड जो थे वो कौन से थे, एक फैदर से, दूसरा हमने नेट के द्वारा जाना। अब इसमें जैसे मैंने लीव्स के बारे में बताया, हस्क वगैरह को काम में लेकर भी ब्रशिंग की जाती है, जो कि बेसिकली है मेथड यही कि नेट के ऊपर रख दो, वो लार्वा ऊपर आ जाएंगे, उस चीज़ को ऊपर उठा लो तो देन वो उससे अलग हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से हमने जाना ब्रशिंग क्या होती है, ब्लैक बॉक्सिंग क्या होती है, और साथ में इनक्यूबेशन किस तरह से किया जाता है। ओके, तो अब तक आप जान चुके हैं कि इंक्यूबेशन के अंदर हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वगैरह क्या रखते हैं, है ना? तो उसके अंदर आपने जाना था कि लगभग 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर, और 70 से 80% तक का हमें क्या रखनी चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखनी चाहिए। लेकिन अब जो हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, वो रेयरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जब उनको पाल रहे होंगे हैचिंग के बाद की स्टेजेस के अंदर, तब हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितनी कितनी रखनी चाहिए उसके बारे में। अच्छा, जो पहली लाइन है वो क्या कह रही है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड गुड क्वालिटी ऑफ कोकून। हम क्यों टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, वैसे तो आप जानते ही हैं, ताकि प्रॉपर अच्छे से ग्रोथ हो सके लार्वा वगैरह की, और हम देख रहे हैं गुड क्वालिटी ऑफ कोकून हमें मिल सके, लार्वा हेल्दी होगा, अच्छा खाएगा पिएगा, तभी तो अपने चारों तरफ क्या बना लेगा, अच्छे टाइप का कोकून बनाएगा, अच्छी क्वालिटी का कोकून बनाएगा, तो हमें फ़ायदा होगा अल्टीमेटली, है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ, इसलिए हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी होती है। नेक्स्ट है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर मेंटेन्ड थ्रू यूजिंग चारकोल स्टोव। स्टोव क्या होता है, मतलब जलाना, ताकि हीट बढ़ा सके हम, टेम्परेचर वगैरह बढ़ाना हो तो हम इस तरह के चारकोल स्टोव वगैरह का इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एंड वेट गिनी बैग्स, वेट गिनी बैग्स जो कि ह्यूमिडिटी वगैरह के लिए, मेंटेनेंस के लिए हो, जैसे कि लीव्स वगैरह हैं अगर, है ना, तो उन्हें ताज़ा रखने के लिए, उन्हें फ्रेश रखने के लिए, अगर हम उन्हें गिनी बैग्स में, गीले गीले गिनी बैग्स में अगर रख रहे हैं, तो उसका मॉइस्चर कुछ देर तक, कुछ घंटों तक अटेन किया, मतलब हम कह सकते हैं उन्हें रुका रखा जा सकता है, कहने का मतलब ये हुआ कि उन्हें प्रिजर्व किया जा सकता है डीप्स को, है ना, उनकी ह्यूमिडिटी को कंजर्व करने के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से हम मेंटेनेंस कर सकते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का। टेम्परेचर का मेंटेनेंस कितने कितने टेम्परेचर पर करना है, तो ये हम देखें, लार्वल इंस्टार के बारे में बात की है, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो, फर्स्ट सेकेंड के बाद मैंने यहाँ एक लाइन लगा दी, क्यों, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड जो लार्वा होंगे उसकी रेयरिंग को हम क्या कहेंगे, चौकी रेयरिंग कहेंगे, है ना? अगर आपने इस वीडियो को ढंग से सुन रहे हैं तो आपने जाना, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेजेस की रेयरिंग जो है उसे चौकी रेयरिंग हम कह रहे हैं, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह की जो स्टेजेस की जो रेयरिंग है उसे हम लेट एज रेयरिंग कह रहे हैं, है ना? तो चौकी रेयरिंग के दौरान हम देख रहे हैं टेम्परेचर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, 26 से 28 डिग्री सेल्सियस का, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम देख रहे हैं 85% तक होनी चाहिए। ओके, मतलब काफ़ी ज़्यादा, यानी 85% तक मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद हम देख रहे हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लार्वा स्टेजेस के अंदर, थर्ड स्टेज के अंदर हम देख रहे हैं 24 से 26 डिग्री सेल्सियस, यानी 24 से 26 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी जो है वो 80%, यानी 80% होनी चाहिए। फोर्थ स्टेज के अंदर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर, और हम देख रहे हैं 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। फिफ्थ स्टेज के अंदर हम देख रहे हैं टेम्परेचर और कम कर दिया, यानी कि 23 से 24, है ना,
23 से 24 डिग्री सेल्सियस और हम देख रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी और कम यानी कि 70% कर दी। तो कहने का मतलब ये हुआ लेटर स्टेजेस के अंदर हम टेम्परेचर भी कम करते जा रहे हैं और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम करते जा रहे हैं। ओके तो कहने का मतलब इस तरह से कुछ डाटा है जो आप याद रख सकते हैं किसके लिए, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के लिए। एक चीज़ ध्यान रखें आप कि इस फिफ्थ स्टेज के बारे में आपसे अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। किस रूप में पूछा जा सकता है? अब ये जो फिफ्थ स्टेज है लार्वा की, उसके बाद वो क्या करेगा, है ना? जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट स्टेज थी तो मोल्टिंग हुई तो सेकंड स्टेज में आ गया, सेकंड स्टेज से मोल्टिंग हुई तो थर्ड में आ गया, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ में आ गया। फिफ्थ के बाद क्या करेगा? फिफ्थ के बाद वो सीधा कोकून प्रोडक्शन के अंदर लग जाएगा। तो स्पिनिंग के अंदर वो अपना काम करना शुरू करेगा, स्पिनिंग करना शुरू करेगा। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्पिनिंग की स्टेज में जब लार्वा पहुंच जाए तो उस दौरान हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितनी रखनी चाहिए रेयरिंग में? तब आप कह सकते हैं लगभग 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 60-70 डिग्री सेल्सियस रिलेटिव ह्यूमिडिटी रख सकते हो। ओके तो कहने का मतलब ये हुआ इस तरह इस टेबल में ही क्वेश्चन निकाल के आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शनल क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नहीं तो थ्योरी में पूछे जाए तो फिर तो धमाधम आप ये पूरा छाप ही सकते हो, है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ इस तरह से हमने जाना मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। ओके तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब हो सकता है आपके दिमाग में आया हो कि भाई शुरुआत में तो कहे थे इतने सारे टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैसे अभी इन टॉपिक्स के बारे में भी बात बाकी है, यानी कि हम फीडिंग ऑफ लार्वा, बेड क्लीनिंग एंड स्पेसिंग, केयर ड्यूरिंग मॉल्टिंग, माउंटिंग, हार्वेस्टिंग और साथ में स्टिफलिंग, इन टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इन टॉपिक्स को भी अगर इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और काफ़ी सारे लोग जो हैं वीडियो की लेंथ को देखकर ही वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना? तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो तो कोई इस वीडियो को चालू ही ना करे, है ना? तो ऑफकोर्स इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो इस वीडियो के अपलोड होने के 2 दिन बाद ही अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकेंगे। साथ में इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया हमेशा की तरह उसकी एक PDF फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही जो अलग अलग सोर्स हैं, मतलब जहाँ से मैंने ये डाटा उठाया है, तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहें तो उन इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ सकते हैं उन लिंक को यूज़ करते हुए। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल की और भी जो वीडियोज़ हैं YouTube आपको रिकमेंड करेगा, इस चैनल को थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा, है ना? और साथ में अगर आप जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज और क्वेश्चन आंसर्स में इंटरेस्ट रखते हैं जो कि वेरियस एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन आंसर्स और नॉलेज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।